मैं आज जा रही हूँ चीकू से मिलने लंच करने। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं बाहर लंच करने मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो हम पहुंच गए हैं सम्राट, जो कि हमारा बहुत ही पुराना एक मीटिंग स्पॉट है, जहां हम मिले हैं एक दो बार। और अक्सर मैं शादी से पहले यहां पे जाया करती थी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ। तो फिर से हम इसी रेस्टोरेंट में आ गए थे खाना खाने के लिए, और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लेकिन मेरी एक स्कूल फ्रेंड थोड़ी लेट आई थी, तो हमने सोचा चलो यार स्टार्टर तब तक ऑर्डर कर देते हैं, इतने वो भी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का लुक कैसा लगता है। रेस्टोरेंट दिखने में काफ़ी अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है। तू इतनी लेट क्यों आई है? क्यों? तेरी हम वीडियो बना लेगी, तू कितनी लेट आई है। ऐसे बना इसको रोटेट में। अच्छा। हाँ, तेरा पिज्जा दे रही हूँ। वो लेट क्यों आई हो? मेरा मन कर रहा था, मन ही नहीं था आने का, हमें तड़पाने का है ताकि हम भूखे रहे थोड़ी देर। जितनी देर में हमारा स्टार्टर आया उतनी देर में कल्पना भी आ गई, और फिर हमने लंच भी किया। और लंच की वीडियो बनाने का तो किसी को याद ही नहीं रहा, क्योंकि भूख इतनी ज़ोरों की लगी थी कि लंच आते ही हम टूट पड़े, वीडियो बनाना ध्यान नहीं रहा। लंच करने के बाद हम बाहर निकले, हमने थोड़ी देर फोटोशूट किया और कुछ वीडियोज़ ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। अर्ली तो पहले मैं इनसे मिल भी नहीं पाती थी, क्योंकि उस टाइम इनकी शादी मेरे से बाद में हुई है और पुच्चू छोटी थी। अब पुच्चू बड़ी हो गई तो मैं मिल लेती हूँ इन लोगों से, और सबके ऑलमोस्ट एक एक बेबी हो चुका है। तो उसके बाद हम गए विश्वविद्यालय, क्योंकि उसके बाद इन्हें यहाँ से कैब लेना था। और हम थोड़ी देर यहाँ रुके, क्योंकि यहाँ पे भी हम अक्सर आया करते थे, और ये बहुत पुरानी जगह है मिलने की, हमारे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। हमें रेस्टोरेंट पे छोड़ के राहुल चले गए थे बाहर सुमित के साथ, इन लोगों ने अपना बाहर अलग ही लंच किया। उसके बाद वो हमें पिक करने आए, और विश्वविद्यालय अब देखो कितना खाली है। पहले मेट्रो स्टेशन पे स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी, और अभी जब बंद है सब कुछ कोरोना की वजह से, तो बिल्कुल खाली खाली है। यहाँ ये आराम से फुटबॉल खेल रहे थे, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल अलग ही लग रहा था। मतलब मेट्रो स्टेशन वो मेट्रो स्टेशन लग ही नहीं रहा था जो पहले इतना गुलजार हुआ करता था, कितने सारे लोग होते थे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बातें बातें करने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। बहुत टाइम के बाद इस तरह से टाइम स्पेंड करके, हमारी गर्ल्स डे आउट करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी सारी बातें करी, मस्ती करी, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। सबसे अच्छा ये लगता है जो स्कूल फ्रेंड्स से मिलो तो पुरानी बहुत सारी यादें होती हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, और एक दूसरे को देख के एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि बचपन हमने साथ में बिताया है, बहुत सारे मोमेंट्स हमने साथ में स्पेंड किए हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिल करके, तो आप लोग भी कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Till then, stay tuned.